गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई हूँ। मुझे निकलना है ट्रिप पे। ये देखो बाहर का नज़ारा कैसा है। और सामने से कुछ ऐसा दिखता है। कितना अच्छा लग रहा है ना। सारा दिवाली की तैयारी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो ये आ गई मैं अब स्टेशन पे। स्टेशन पे आके पता चला कि ट्रेन मेरी खड़ी है पहले से। ट्रेन को खड़ी देख कर मैं बहुत खुश हो गई। बहुत दिन के बाद मेरे को टाइम मिला है, नहीं तो घर का काम 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 बाहर काम, मैं कहीं जल्दी निकल नहीं पाती हूँ। अब थोड़ा सा सफ़र में अच्छा लगेगा मेरे को। सफ़र करने का बात ही कुछ अलग है। सफ़र में यही सोचते जा रही थी कितने निकलने में लेट क्यों करती, आराम से बट बैठ नहीं पाई। आंटी मेरे से पहले ज़्यादा ही फैल कर बैठ गई है। बट कोई नहीं, सफ़र में मेरे को वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बात करना बहुत कम पसंद है रास्ते में, इसीलिए बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। मैं आ गई हूँ वृंदावन। वृंदावन में आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक तो मॉर्निंग में ही उठी थी, उठने के बाद यहाँ पे आने के बाद पता चला कि 12 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। फिर मैं आकर फ्रेश होकर और सो गई थी। अभी मैं उठी हूँ, उठकर अब जा रही हूँ रेडी होकर निकलने। देखती हूँ बाहर क्या क्या है, कैसे है। वैसे तो मैं पहली बार नहीं अभी भी आई हूँ, लेकिन वही है कि मैं एक दिन में ही आकर और निकल गई थी। इस बार मेरे को थोड़ा बहुत देखना है, बस निकल कर अब रेडी होने जा रही हूँ। और ये मेरा सेल्फी लेने का स्टाइल, सेल्फी दे रही हूँ अपने सिस्टर को इधर उधर टहल टहल कर। बस हो गया मेरा फोटो शूट, अब हो गया ख़त्म। ये अब मैं फाइनल निकल गई मथुरा से वृंदावन के लिए। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ का मौसम, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। यहाँ पे मौसम, हवा, रास्ते भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। यहाँ पे खुला खुला सारा कुछ है, दिल्ली में तो ये चीज़ मिलता नहीं है। यहाँ का हवा भी बहुत अच्छा है, मस्त लग रहा है। मैं तो बहुत मस्ती कर रही हूँ रास्ते में और खुश भी बहुत हूँ। कितने दिन बाद, कम से कम मैं 4 साल बाद आई हूँ फिर से। यहाँ के सरके वरके सब मस्त है, खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर खुश आगे वृंदावन में चंदन करवाई। आगे का अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ।